हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग है 23 मार्च का। अभी मैं दक्षिता को कर रही हूँ रेडी, क्योंकि हमें जाना है थोड़ा घूमने कहीं। यहाँ पे चेन्नई में एक मॉल है, स्काई वॉक मॉल, बहुत ही फेमस है, तो बस वहीं पे जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे। तो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। अभी हो रहे थे 3:30-4 बज रहे थे शाम के। और ये खा रही हूँ, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अभी बजने वाले हैं 4 शाम के, 4:30 होने वाले हैं, और हम लोग थोड़ा जा रहे हैं कहीं घूम करके आते हैं। कल से ही काम कर करके हालत हो गई है ख़राब, तो जा रहे हैं हम लोग। यहाँ का एक है फेमस स्काई वॉक मॉल, पहले भी हम लोग जाते थे, महीने में एक दो बार चक्कर लगता था ऐसे ही। तो आज वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना, मेरे देवर और देवरानी भी आए हुए हैं, तो बस इसीलिए जा रहे हैं हम लोग थोड़ा घूम फिर के आने। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। भी मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है ताकि बात कर पाऊँ, तो इसीलिए थोड़ी सी हुई हूँ रेडी। और खाना वाना दोपहर में बनाया था मैंने, खा पी करके काम वाम किया थोड़ा। दोपहर में हम लोग नहाए हैं, आज क्या किया जाए, काम ही इतना है। तो बस चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आपको भी दिखाते हैं चेन्नई का मॉल, जहां हम लोग पहले भी जाते थे, आज फिर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो कैब बुक हो गई थी और हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए, और हमारे घर से काफ़ी दूर है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, और रश रहे तो और भी ज़्यादा। तक्षु को नींद आ जाती है बार बार आके कहीं, है ना? और अदक्षिता काफ़ी टाइम बाद लिफ्ट वगैरह में अब चढ़ रही है, तो इसके एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही थे देखने लायक। यहाँ तो आके बेकार हो गया, वॉशरूम उधर से। हाँ उधर से देखो, वो आदमी जा रहा है ना, उधर ही है, सब बंद पड़ा है ये तो। और मॉल के अंदर आ गए थे हम लोग और हमें मिल गया था सरप्राइज़। मॉल के अंदर आके सब कुछ बंद पड़ा था, सारी शॉप्स और फूड कोर्ट सब कुछ बंद पड़ा था, रिपेयरिंग चल रही थी, इसलिए शायद मैंने सोचा नहीं था कि चेन्नई का मॉल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर में भी हम लोग गए थे, वहाँ का भी मॉल खुला हुआ था। हाँ, यमुनानगर हरियाणा का जो मॉल था वो बेशक बंद हो गया था, ऐसी यही हालत उसकी भी थी, पर चेन्नई का ऐसा हो जाएगा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने सोचा था चलो थोड़ा चलेंगे, बच्चे गेम्स वगैरह खेलेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, लेकिन सब पे पानी फिर गया। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमे फिरे। ये गेम सेंटर्स खुले हुए थे, लेकिन अभी इन सब में भी काम चल रहा था, कोई भी नहीं था। अब यकीन नहीं, पूरे मॉल में ना बस PVR खुला हुआ था, तो हमने टिकट्स ली ही नहीं थी पहले से। और गंगूबाई काठियावाड़ी लगी हुई थी, तो प्लान तो एक बार बना देखने का, लेकिन फिर हमें लेट हो जाता, क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते ही 5 बज गए थे, तो इसी वजह से हमने मूवी भी नहीं। मॉल खाली पड़ा है, पता नहीं क्यों, शायद कोरोना की वजह से शायद सब कुछ बंद हो गया, कि क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ देखो ऐसे बंद पड़ा है। अब हम लोग जा रहे हैं बस KFC में, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, KFC बस खुला हुआ है, और उसके बाद खा करके फिर वापस घर जाएंगे। कुछ भी नहीं खुला हुआ है, गेम सेंटर है जो बच्चों का, खुला तो है पर कुछ भी चल नहीं रहा है अभी तो। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, अभी सब कुछ बंद पड़ा है, सारी शॉप्स ना अंदर अंदर से रिपेयर हो रही हैं, और एक भी नहीं शॉप खुली थी, जो एक सिंगल शॉप अगर मैं बताऊं। वैसे ये मॉल 4th फ्लोर का है, लेकिन एक भी फूड कोर्ट वगैरह, पहले यहाँ हम लोग बैठते थे, KFC में भी बस हम लोग ही थे, और बाकी लोग जो थे पार्सल लेकर के जा रहे थे, तो बस हमने KFC में थोड़ा खाया पिया, और उसके बाद से अभी हम लोग फिर वापस निकल जाएंगे घर के लिए। यहाँ से ना कैब वगैरह की बड़ी दिक्कत हो जाती है शाम के टाइम में,
और दूर भी है तो इसलिए। तो बस अभी हमारा आ गया था स्नैक्स भी, कोल्ड ड्रिंक थी और KFC का चिकन, तो खाया पिया हम लोगों ने। उसके बाद से सीधे आ गए थे घर, और हमें घर आने में भी 1-1.5 घंटे लग गए थे, 1.5 घंटे के आसपास लग गए थे, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है। फिर घर आते ही मैंने बनाई चाय, क्योंकि सिर में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था, तो फटाफट से मैंने बनाई चाय, चाय पी हम लोगों ने। उसके बाद से फिर डिनर की भी तैयारी करनी थी। अभी हो रहे थे 8:30 हो रहे थे आई थिंक, चाय इस टाइम आज हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर डिनर बनाने की तैयारी, सिंपल रोटी सब्जी ही बनाना था, क्योंकि चिकन वगैरह खा लो ना तो थोड़ा सा हैवी हो ही जाता है इसलिए। तो बस इसके बाद सिंपल रोटी सब्जी बनेगी अभी चाय पीने के बाद। उसके बाद से फिर और भी काम तो रहते, बहुत काम इस टाइम हो गया है। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग अपना सेट कर रहे हैं, 2-3 दिन में नेहा भी चली ही जाएगी, और कल हम लोग ट्राई करेंगे मरीना बीच जाने का, तो उसका व्लॉग मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आपको। और बस चाय वाय पीने के बाद हम लोग अपने काम में लग गए थे। नेहा सब्जी काटने लग गई थी, और मैंने ये अदरक हरी मिर्च अदरक टमाटर हरी मिर्च वगैरह मैंने मंगाई थी, तो इनको वॉश करके बस रख रही थी मैं। मेरी शुरू से आदत रही है इन सबको वॉश करके ही रखती हूँ। रात के बजने वाले हैं 9 बज चुके हैं, और थोड़ी देर पहले हम लोग आए हैं घर, 1 घंटे हो गए, 8 बजे के करीब आए थे, और उसके बाद से चाय वाय बना के पी हमने। सिर दर्द होने लग गया था, बहुत थकान सी लग रही है। गए थे हम लोग मॉल घूमने, और ऐसा हो गया मतलब सब कुछ बंद पड़ा था, और मैंने सोचा ही नहीं था। एक बार हम लोग ना यमुनानगर के भी मॉल में गए थे घूमने, वहाँ पे भी सारी शॉप्स ऐसे ही बंद हो गई थी, मतलब उजड़ सा गया था आप कह सकते हो, अगर सीधी सरल भाषा में बोले, वाकई में उजड़ सा गया था। यहाँ का भी मॉल ऐसा ही हो गया था, बल्कि गोरखपुर में हम लोग गए थे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल जैसे पहले चलता था वैसे ही अभी भी चल रहा है। बस ये है मास्क वगैरह लगा करके ही रहना था उस टाइम जब हम लोग गए थे। अभी भी ठीक है, बात होती है मायके पे में, वहाँ पे अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना की वजह से सबकी दुकानें बंद पड़ गई। मैं मानती हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बंद हो गए हैं बहुत से शॉप्स, लेकिन अभी ना यहाँ का मुझे, मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। हमने सोचा था चलो इतने मतलब 2.5 साल के बाद वापस चेन्नई आए हैं तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, यहाँ तो ऐसी इंजॉयमेंट हुई कि पूछो ही मत, मैं क्या बताऊँ। और बच्चे भी सोचते गए थे कि थोड़ा गेम वगैरह खेलेंगे, फूड कोर्ट में पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे, सब कुछ बंद था सब कुछ। बस KFC खुला था, तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा बस वही चिकन, वहाँ का चिकन ही फेमस होता है KFC का, तो और कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो बस खाया पिया, घर वापस आ गए हैं। अभी चाय वाय पी लिया है, फिर ना धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा करना है, घर को सेट करना है, सब कुछ दिखाऊंगी धीरे धीरे आपको आने वाले ब्लॉग्स में। और कल हम लोग जाएंगे मरीना बीच, तो उसका भी ब्लॉग मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा, आने वाले टाइम पे नए नए ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।